मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त चंदा क्राइम ब्रांच के हाथ लग गई है। 2 माह से वांछित चंदा की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली। चंदा 2 दशकों से अपराध जगत में सक्रिय है। उसके खिलाफ हत्या, मादक पदार्थ की तस्करी और 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है। ड्रग्स तस्करी प्रकरण में फरार आरोपी चंदा ठाकुर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उसे उसी के कलमना क्षेत्र में स्थित मकान से गिरफ्तार किया गया है। वह बाहर से ताला लगाकर अंदर ही रहती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 50 वर्षीय चंदा ठाकुर इतवारी रेलवे स्टेशन परिसर में काफी समय से कारोबार चला रही है। इस लेडी डॉन के अड्डे पर 31 जुलाई को अपराध शाखा पुलिस विभाग ने छापा मारा था, जिसके बाद उसकी बेटी आरती ठाकुर, नरेंद्र उर्फ बाल्या पवनीकर और रजनीश पाटिल को पकड़ा था। इनके पास से 25 ग्राम हेरोइन, 30,000 रुपए की शराब व नकदी 1,63,000 रुपए सहित 3,80,000 का माल जब्त किया गया था। तब से चंदा फरार थी। मंगलवार को अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 3 को गुप्त सूचना मिली कि वह कलमना क्षेत्र में कामठी मार्ग पर आलिशान मकान में रह रही है। पुलिस ने तड़के उस मकान पर छापा मारा और चंदा को गिरफ्तार किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे, NBCN न्यूज।